जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। हम हाजिर हैं दिन भर की खबरों के साथ, तो चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 1 दिसंबर को नहीं होने देंगे पद्मावती फिल्म रिलीज, कहा प्रेस वार्तालाप में राजपूत सेना ने। नाथूराम गोडसे की मूर्ति का विरोध करते हुए कांग्रेस ने जलाया पुतला। पुलिस बनकर 3 युवकों ने महिला से की ठगी। पुरानी छावनी में चली गोली, घायल हुआ युवक, अस्पताल में किया भर्ती। दो पहिया गाड़ी चालकों को मिली राहत, पुलिस बनाएगी येलो कार्ड। और माधवगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों में हुआ विवाद, पुलिस ने मामला किया दर्ज। अब खबरें विस्तार से। फिल्म पद्मावती का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। आज एक होटल में राजपूत सेना ने प्रेस वार्तालाप में बात करते हुए कहा है कि 1 दिसंबर को शहर के सिनेमाघरों में फिल्म हम रिलीज नहीं होने देंगे। तरीके से संजय लीला बंसाली द्वारा काल्पनिक चित्रण बता के, उनको सपना बता के, उनको गलत तरीके से वो बताने की कोशिश कर रहा है। संपूर्ण मध्य प्रदेश, ग्वालियर संभाग मध्य राष्ट्र में माता पद्मावती के नाम से हिंदुस्तान के किसी भी सिनेमा घर है, निवेदन करना चाहता हूं कि वो उस पिक्चर को आपके ग्वालियर संभाग में, जिले में कहीं नहीं लगाए, क्योंकि इसमें आज को गलत तरीके से बताना, माता पद्मावती जो जोर हुई थी उसमें समस्त हिंदू समाज की माता वीरांगना उसमें जोर हुई थी। ना सिर्फ राजपूत का जिला ग्वालियर संभाग में कोई भी थिएटर मालिक इस पिक्चर को ना लगाए, अगर वो लगाते हैं तो उसका वो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि समस्त हिंदू समाज की किसी मल्टी मीडिया और सिनेमा घर में न लगाए। बिल्कुल उनका टैगिज फोड़ दिए जाएंगे और चूंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं। ग्वालियर जैसे अन्य जगहों को बंद बुलाया गया है सेना के द्वारा, ग्वालियर में ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, बिल्कुल तरीके से आपके जिला तो ठीक, तहसील स्तर पे विश्व हिंदू परिषद, धर्म जागरण, शिवसेना, सभी संगठनों से जो है मैं आपकी मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ और सभी साथ में है। अभी कई टाकीज वाले को जो है उन्होंने पत्रक देके निवेदन भी करा है, करणी सेना भी हर टाकीज पे गई है, उनसे निवेदन करा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम ये पिक्चर न लगाएंगे, बदने के लिए तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लगाने की बात कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देखिए, ये तो क्या है कि आपको हिंदू समाज को, आज संपूर्ण हिंदू समाज को एक जाजम पे आना, अनुशासित संगठन माता पद्मावती के मान सम्मान के लिए सभी तत्पर हैं, सभी एक जाजम पे और तरीके से जो है इसको, इस पिक्चर को कतई नहीं लगने देंगे। दीपिका जो कह रही है कि समझ नहीं रहे आप लोग, उनने कहा कि आप आगे देखिए पहले, क्या देखिए, आपका चरित्र देखिए, राजपूत समाज की कोई छत्रणिया इस तरीके से मुजरा करती है क्या? मुजरा कौन करते हैं सभी को मालूम है, ये हिंदू विरोधियों का काम है मुजरा, उजरा कोई हिंदू समाज का काम है? कमर दिखाती है क्या छत्रणिया? और कब तक करेंगे विरोध? माता पद्मावती की आन बान शान और सभी हिंदू समाज की माता है वीरांगना है, उसमें जो जोहर हुई थी उनकी आन बान शान का विषय है, सभी हिंदू समाज साथ में है और 28 तारीख के दिन भोपाल के अंदर उग्र जो है आम सभा है और उग्र भवंडर भोपाल के मैदान में है, सभी हिंदू समाज अग्रसर हैं, उसके लिए सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, धर्म जागरण, शिवसेना, जितने भी हिंदू संगठन हैं सभी से आह्वान, सभी पधारें, सभी की आन बान शान का विषय है।
लेकर के आपको किस चीज पर ऑब्जेक्शन है? यही जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है काल्पनिक सपने में जो इस तरीके का बता रहा है कि वो उनकी प्रेमिका है। अबे तू उनकी सूरत नहीं देख सकता है, वो अपने जो है आन बान शान के लिए जोहर हो गए, तो उनकी राख को नहीं छू सकते हो। और तुम जो भंसारी भांड सरीके जो है उसको तरीके से जो गलत तरीके से जो बता रहे, बता ना हिंदू विरोधियों के, बता तरीके से क्यों? आपने फिल्म देखी है अभी उसमें? बिल्कुल, आपने जो है उसका कुछ ट्रेलर देखा ही है। जो है हमारी कोई छत्राणी माता इस प्रकार से कोई मुजरा नहीं करती है, और ना कोई हिंदू समाज में मुजरा होता है। मुजरा कहाँ होता है सबको मालूम है। किस तरह का विरोध रहेगा आपका? समस्त आपके ग्वालियर संभाग के अंदर और समस्त मध्य प्रदेश में आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ मल्टीमीडिया सिनेमा घर मालिकों को कि माता पद्मावती की पिक्चर आपके सिनेमा घर में न लगाएं। ये हमारा एक निवेदन है, आग्रह है। उसका खामियाजा सिनेमा मालिक भुगतने के लिए तैयार रहे, सारे सिनेमा घर फूटेंगे। और जनहानि भी होती है तो उसकी जवाबदारी भी सिनेमा मालिकों की रहेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर राजपूत नहीं, सभी हिंदू समाज की आन बान शान का विषय है। हिंदू महासभा द्वारा शहर में लगाई गई नाथूराम गोडसे की मूर्ति का विरोध करते हुए आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। हाथों में पुतला लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले तो जमकर नारेबाजी की, फिर पुतला जलाया। कल ही एडीएम शिवराज वर्मा ने मूर्ति लगाने वालों से इसका स्पष्टीकरण मांगा था। आज कांग्रेस ने पुतला दहन करके गोडसे की मूर्ति पर एक और विवाद खड़ा कर दिया। दिन पर दिन महात्मा गांधी के हत्या के आरोपी गोडसे की मूर्ति को लेकर ग्वालियर में विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रशासन का हम लोगों ने पुतला जलाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्वालियर को कलंकित किया जा रहा है हिंदू महासभा के तथाकथित चार लोगों के द्वारा, और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। प्रशासन ने उन्हें 5 दिन का टाइम दिया है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या करना? अभी तो हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया था। कितने पुतले दहन हो रहे हैं ग्वालियर शहर में? जगह जगह लोग अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। हमारे को शहर जिला कांग्रेस कमेटी से हर ब्लॉक स्तर पर, 8 ब्लॉक स्तर पर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। उसके बाद आज शाम को 4 बजे शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पुतला दहन करेंगे। उसके बाद हमारे सीनियर्स के द्वारा जो हमको दिशा निर्देश दिया जाएगा हम उसका पालन करेंगे। चूंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के रक्षक थे, तो कांग्रेस उनकी अनुयायी है, तो हम लोग अभी तक अहिंसा का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर यही प्रशासन का ढीलम ढोल रवैया रहा तो हमें भगत सिंह बनते हुए देर नहीं लगेगी। ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में दिन दहाड़े एक महिला से ठग 6 तोला सोने की चूड़ियां ठग ले गए। उस समय महिला अपने घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थी। इससे जाहिर होता है कि ठगों को जरा भी खौफ नहीं है। 58 साल की सविता सरोज
के साथ यह घटना तब घटी जब वे डॉक्टर से चेकअप कराकर अपने घर वापिस जा रही थी। महिला के पति हरिंदर जायजा भी डॉक्टर हैं। महिला के अनुसार हरिशंकरपुरम के सी ब्लॉक के पास से जब वो अपने घर जा रही थी तभी रास्ते में एक युवक ने उनसे कहा कि सांप बुला रहे हैं। कुछ दूरी पर दूसरा युवक खड़ा था और उसने पुलिसिया रोब में महिला से कहा कि शहर में ठगी हो रही है और आप इतने जेवर पहनकर जा रही हो, इन्हें कागज में लपेटकर घर ले जाओ। महिला ने चूड़ियां उतारी तो उसने साइन करने के बहाने से महिला से ले ली और फिर पीतल की चूड़ी कागज में लपेटकर महिला को दे दी। बाद में महिला को जब सच्चाई का पता पड़ा तो उसने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस ठगों की तलाश कर रही है। गर्मी है, पानी पिला तो आप कह रहे थे इस वारदात से लोग घूम रहा है सस्पिशन एक महिला आई हुई है हरिशंकरपुरम से, उनका बताना है कि जब अपने घर जा रही थी तो दो लड़के मिले उन्हें, उनका कहना था कि यहाँ पे कोई मर्डर वगैरह हुआ है तो इंक्वायरी चल रही है, आप जो सामान पहन के नहीं चले। तो उन्होंने बोला कि सामान उतार के रख दे, वहीं पे एक दो लड़के और आए उनके बताया अनुसार, तो वही पहन को सामान पहने हुए थे सोने का, तो उनसे बोला कि आप उतार के रख दो, तो उन्होंने उतार के रख दिया। इनसे बोला आप भी उतार के रख दो, फिर जब इनने उतारा तो कागज उन्होंने दिया, कागज मैंने रखे, उसके बाद में फिर उन्होंने की कि ठीक है ये वाला कागज ले लो आप। उसी बीच उनने अपने जो उनके पास चूड़ियां थी उनको दे गए दो चूड़ियां और इनकी जो चार चूड़ियां थी वो बदल के ले गए। क्या बताया था हमने चारों को अपने आप को, क्या बताया? वो ये कह रहे थे इंक्वायरी चल रही है। मतलब पुलिस ही बता रहे थे, लेकिन वो सिविल कपड़ों में थे, उनको कहना चार चूड़ी बता रहे हैं, इस पे एफ आई आर की जा रही है। जिसके पास से वॉकिंग आ रही थी उन्होंने रोका, बोला आपके यहाँ रात को वारदात हो गई थी तो आपने ये कुछ नहीं तहकीकात करनी है, पुलिस वाले हैं इनको तहकीकात करनी है। तो मैंने मेरे से क्या पूछताछ करनी है, मैं तो बहुत कम निकलती हूँ घर से, तो वो तो नहीं पूछना है कि, तो मेरे को लगा पूछना होगा, चलो हम पुलिस बोलेंगे हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमने बताना चाह, मैंने बोला मेरे को, मैंने उन्होंने नाम लिया कि विमला किसी का मर्डर हो गया था, उसका ऐसे हो गया था रात को, तो मतलब मेरे को पता नहीं है, वो तो ये नाकाबंदी लगी हुई है, ये लगा हुआ है, सुनसान है जैसे भी करके, तो मैंने बोला कि मैं नहीं जानती उनको किसी को, कि बस मैं जाऊं, तो बोलते नहीं, या आप फिर स्ट्रिक्टली बोलने लगे, अभी तक सोना पहन के घूम रही हैं, उसका हाथ मर्डर ऐसे हुआ है, उसका हाथ काट के ले गए हैं, मतलब लेडी का, विमला का। तो मैंने ठीक है, मैं मेरे घर पहुंच गया है, तो बोलते नहीं आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आप इसको निकाल के रखिए। तो मैंने नहीं, मैं अपने हस्बैंड को फोन कर रही हूँ कि वो आ जाएंगे ले जाएंगे, मैं बिल्कुल पास था 100 मीटर की दूरी घर था, तो बोलते नहीं कि आप इसको निकाल के रखिए। तो मेरे को लगा चलो ठीक है बोल रहे हैं, तो मैंने बैग में रख दिया और बैग को मैंने टाइटली पकड़ लिया। तो इतने में एक आदमी आया, वो बोलते उसके वो बहुत चेने वेने पड़ी हुई थी, तो बोलता है कि ना उसको डांटने लगा कि ये चेने पहने घूम रहे हो, वो ऐसे ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि मतलब सीधा था। तो उसने निकाल के उसको निकाल के रखो बैग में, उसने निकाल के बैग में रखी पहले, फिर उसको बोला कि ना उसको लगा कि मैं ऐसे पकड़ी हुई थी बैग को, तो बोलते हैं उसको कि ना इसको तुम ये कागज में रखो, ऐसे कहाँ रखा तुमने उसको, उसको बोलने लगी, तो उसको बोलते हैं इस कागज में रखो, कागज दिया ऐसा है प्लेन कि तुम कागज में रखो, तो उसको कागज में रखवा के उसके बैग में रख दिया। तो मेरे को बोलते हैं, मैंने ना मेरा निकालना नहीं जरूरत नहीं, मैं ये घर आ गया मेरे को नहीं रखना कागज में, तो बोलते हैं नहीं हमको साइन करना है, अब उनको लगा कि मैं मान नहीं रही हूँ, तो बोलते हमको साइन करना है, तो कागज दिया, तो खुद रखने लगे, खुद बोलने लगे, मैंने नहीं मैं रख रही हूँ ना, तो मैंने रख के फोल्ड किया, तो बोलते नहीं दो, तो मैंने हमें रख रही हूँ बैग में चार, तो चार सवा तोले की एक चूड़ी पुलिस बन के, तो बोलते हैं कि हमको साइन करना है कागज पे, अभी आए हैं ना पुलिस के पास। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में आज होली चल गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक का नाम रविंद्र गुर्जर है। रविंद्र दुलपुर थाटीपुर में डेयरी चलाते हैं। थाटीपुर में ही रहने वाले देवेंद्र कुशवाहा से रविंद्र को 5 लाख रुपए लेने थे,
जो उसने देवेंद्र को कारोबार के सिलसिले में दिए थे। शुक्रवार की शाम देवेंद्र रविंद्र के पास पहुंचा और कहा, आज मैं तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगा, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। रविंद्र ने उसे अपनी बाइक पर बिठाया और पुरानी छावनी की सुसेरा कोठी के पास पहुंचे। तब देवेंद्र ने रविंद्र के गोली मार दी जो कि उसकी पीठ में लगी। उसके बाद घायल रविंद्र को तुरंत अस्पताल के में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। मैडम क्या क्या घटना हुई, क्या पूरा मामला है? घटना देवेंद्र गुर्जर है, ये निवासी दुलपुर के हैं। इनका कहना है कि इनके किसी के साथ है, देवेंद्र कुशवाहा जो निवासी थाटीपुर के, उनके साथ कोई लेन देन चल रहा था और पैसे उनको उनसे देना थे वापस, और इसलिए वो उनके साथ में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने उस पर गोली चला दी। तो क्या क्या मतलब कितना क्या लेन देन था उनसे? वो बता रहे हैं 5 लाख रुपए का लेन देन बता रहे हैं। तो क्या मतलब गोली की मतलब गोली लगी कि मतलब उनके छिलके निकले, क्या गोली चलना बताया? अभी जांच चल रही है, जांच किस जगह घटना स्थल कहाँ का है? घटना स्थल अभी वो बता रहे हैं, हाईवे तरफ का बता रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू। शहर में गाड़ी चलाने वालों को अब अपने ओरिजिनल कागज रखकर नहीं चलना होगा। एसपी डॉक्टर आशीष सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही वाहन चालकों की सुविधाओं के लिए ग्रीन कार्ड बनाए जाएंगे। इन कार्डों के बनने के बाद वाहन चालकों को अपने पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा नहीं रखना होगा। नंबर भी आप लोग ऐसे ही आपको अगर गाड़ी इसको मिसयूज करना
ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सुरक्षा आपकी सबसे पहले हो जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैसेज है कि 99% लोगों के पास डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं होता है, एक क्लास ऑफ सोसाइटी की बात करें तो। लेकिन ये समस्या आती है कि भाई वो कैरी करके नहीं छपा रहा है, भी जाएगी आसानी से, क्योंकि सामान्य रूप से जब हम किसी गाड़ी को खरीदते तो आखिर से क्वेश्चन पूछते ओरिजिनल पेपर कहाँ है। अगर ओरिजिनल पेपर गाड़ी के साथ चलेगा तो गाड़ी आराम से बिक सकती है, लेकिन अगर आपने ओरिजिनल पेपर बचा लिए तो वो चोर को सबसे पहले आप देख रहे हैं जो QR कोड साइड में है और उसी के नीचे हमारे ट्रैफिक प्रभारी जिला के हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं, उन्होंने हमें ये जानकारी अपनी गाड़ी के बारे में दी। हमने राजकुमार तोमर, ये जो गाड़ी का नंबर है ये सैंपल के लिए किया यूज, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा था जो था उसी से हम लोग लेते हैं। 14/8/2018 इनकी इंश्योरेंस की एक्सपायरी डेट है लास्ट, मतलब ये वाहन रोड को तब तक यूज किया जा सकता है, और उसके बाद लास्ट में लिंक मतलब ये आधार नंबर इस कस्टमर का। इन केस कई बार क्या होता है कि जैसे फादर की गाड़ी और बेटा चलाता है तो बेटा स्कैम हो जाएगा, इसकी खासियत है। अब जैसे ये कार्ड जनरेट हो गया QR, ये QR ट्रांसफर हो जाता है आपके ओरिजिनल कार्ड पे, यहाँ ये वहां से यहाँ ट्रांसफर होकर आ गया, तो ये व्यक्ति की डिटेल सारी यहाँ आ गई और ये जो है QR कोड सर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, और नीचे सिग्नेचर एसडीटी सब में आ जाते हैं। एक और चीज है कि जब ये मैं एंट्री करूंगा और जब प्रिंट होगा एक मिनट, तो ये जो गाड़ी का मेन नंबर है ये ऑटोमेटिकली फॉन्ट बड़ा कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में गाड़ी का इसका जो था कि वो गाड़ी है, ये गाड़ी का कार्ड है, तो इस फॉन्ट को देखिए आप पूरे फॉन्ट में केवल गाड़ी का नंबर उसमें बोल्ड कर दिया ताकि आराम से उसको पढ़ने में दिक्कत ना आए। इसके बाद इंश्योरेंस अपना आधार कार्ड जिसमें उसका फोटोग्राफ हो। ग्वालियर यातायात पुलिस के द्वारा येलो कार्ड लॉन्च किया गया है, ये उन सभी वाहन धारकों के लिए है जो अपने वाहन के जेन्युइन पेपर्स रखते हैं, और कई बार अभी जो चेकिंग हो रहा है उसमें फीडबैक मिल रहा है कि उन्हें उनके पास सभी जेन्युइन पेपर होने के बावजूद जब चेकिंग होता है तो उन्हें पेपर्स दिखाने में काफ़ी टाइम लगता है, और उनको चूँकि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, वो कानून का पालन कर रहे हैं, तो उनको उसका जो एक रेस्पेक्ट और एक फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसी बैकग्राउंड में ये येलो कार्ड अभी लॉन्च किया जा रहा है। इस येलो कार्ड में धारक के सबसे पहले जो दस्तावेज हैं, वाहन संबंधी दस्तावेज हैं, उसको चेक किया जाएगा, उनके लिंक के लिए आधार नंबर और मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारे चीज़ को उस कार्ड में डाला जाएगा और ये कार्ड धारक को दिया जाना है। जो वाहन के स्वामी होंगे, मालिक होंगे, उनके पास ये कार्ड रहेगा। इस कार्ड को वो जब भी कोई चेकिंग या इस तरह की वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही होती है तो पुलिस को वो कार्ड अगर दिखाते हैं तो उस कार्ड के आधार पे उनको फिर अनावश्यक वेरिफिकेशन या चेकिंग के लिए रोका नहीं जाएगा। इस कार्ड का एक खासियत है कि इसमें QR कोड जनरेट होता है जिसमें ये सारी जानकारी कोड में होता है। अगर कोई व्यक्ति इसका डुप्लीकेट कार्ड बनाने की कोशिश करता है या इसके कोई भी जानकारी को बदलने की कोशिश करता है तो QR रीडर से विद इन सेकेंड्स जो भी चेकिंग ऑफिसर हैं वो पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है। इसके साथ ही साथ जो एक प्रवृत्ति है कि कई बार फेक पेपर बनाकर चोरी के वाहन बेच दिए जाते हैं और कई बार इनोसेंट सिटीजन भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं, इस जाल में फंस जाते हैं, इसको भी इससे रोका जाना संभव हो पाएगा। ये नॉमिनल चार्ज में ये कार्ड ट्रैफिक थाने से अभी बनाया जा रहा है, और इसमें यह प्रयास है कि सभी नागरिक जो वाहन धारक हैं, वाहन स्वामी हैं, वो आए और अपना कार्ड शीघ्र बनवा लें जिससे कि उन्हें अनावश्यक कभी भी इस तरह की स्थितियों में जहाँ पे परेशानियाँ आती हैं ना। ये कार्ड अगर ड्यूरेशन देखें तो अभी तो रखा गया है कि इंश्योरेंस जब तक है तब तक के लिए ये कार्ड वैलिड रहेगा, और ग्वालियर जिले में ये कहीं भी चेकिंग में अगर कार्ड दिखाते हैं तो ये कार्ड मान्य होगा। हाँ, अभी ग्वालियर जिले के लिए क्या कि ग्वालियर जिला पुलिस, ग्वालियर पुलिस के द्वारा इसको जारी किया जा रहा है, यातायात पुलिस के द्वारा जारी किया जा रहा है। इसका शुल्क 20 रुपये प्रति कार्ड रखा गया है। शहर के माधवगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों में झगड़ा हो गया जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। बात ही बातों में दो पक्षों में
विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। यह घटना माधोगंज थाना क्षेत्र की है। बाद में दोनों पक्ष थाने पहुंच गए और पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। क्या कर ली जा रही? अरे मैं क्या हुआ? एक मिनट, क्या नाम है आपका? मोंटी। मोंटी क्या हुआ था? अरे मैं जो हुआ था, मैं खड़ा था चक्की पे, मेरे सर मिलने आ रहे थे, तो मेरा एक अपलाइन, मतलब मेरा एक सर है, दोस्त है मेरे साथ, तो वो खड़ा था वहाँ पे, तो उसको एक दीपेश रावत ने बुलाया, कि इधर मैं बोला रवि सर बुला रहे हैं चल, तो उनने ले आके मेरे से बोलने लगा तू मंत्री का को बनना है जो, मैं कही भाई तू मंत्री बनना होगा, मैं तो जा रहा हूँ सर से मिलने, तो उनने मेरे को रेपट मार दिया, डक्का उक्की कर दी और हाथ में मार उड़ के चले गए। ठीक है, हाथ में मार उड़ के चले गए, फिर घर पे गए, फिर मैं घर पे जाके रह गया, फिर ये कम से कम 15-20 लड़के आए घर पे, गेट वेट तोड़ गए, दोनों मीटर तोड़ गए, घर पे पूरा हुआ खाना खा रही थी, ताली आली ला गए, ये फायर कर गए तीन, फिर गए ब्याजू जाए घर पे, फिर फायर कर आए इनकी घर पे, कूलर वूलर फोड़ जाए, फिर गए बाला आए घर पे, फिर गए शीतल शीतल चार नशे में घटना है जे गुड़ाकी गुड़ा से कॉलोनी गली नंबर 8 की और एक नादरिया माता की और एक चक्की की। कैसे बात करने आए? FIR कटवाने आए हैं, इन्हें हमें मार दिया। सुनवाई हुई आपके अभी तक? सुनवाई नहीं हुई अभी तक। हमने अकेली थी। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 2-3 लोग घायल। गोली लगी है कि लट्ठों से मारा? क्या बेग भैया को लट्ठों से मारा, बेग पंडित को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। कायम नहीं कर रहे पुलिस वाले? कार्रवाई अभी नहीं कर रहे, एक घंटे से आ रहे हैं। फायरिंग की है, मेरे घर पे 3 की है और सबों के घर पे 2 की है, 3-3 हमारे घर पे की है, मेरे घर पे 2 करी है, मैं अकेली थी घर पे। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मेरी कार्रवाई जल्द से जल्द सुनी जाए, कार्रवाई हो जाए। FIR कटवाना चाहते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक आप देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.